गुलाम अब्बास, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, ये कौन सी फिक्सिंग चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये ऑडियो लीक से क्या पता चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो लीक में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा था। ये इमरान खान जब अरेस्ट हुए थे, इसमें जरा अगर अहम बात है वो अहम बात ये है कि इमरान खान को नैब की कस्टडी में टेलीफोन किसने दिया है, सबसे अहम बात। बाकी वो बात कर रहे हैं अपने केस का, पूछ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस के ऊपर, वो बात कर रहे हैं कि ये उनका बंदा है, वो किन का है वो इमरान खान बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त की अपडेट ये है कि इमरान खान कोर्ट रूम नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। पहले 2 नंबर कोर्ट में पहुंचे थे, कोर्ट रूम नंबर 3 की स्कैनिंग की गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई, अब वो पहुंच चुके हैं। लेकिन रेंजर्स की 3 लेयर्स हैं कोर्ट रूम नंबर बाहर के, और इमरान खान के लॉयर्स अभी तक कोर्ट रूम के अंदर दाखिल नहीं हो सके क्योंकि सिक्योरिटी ने उनको रोका हुआ है। इमरान खान पूछ रहे हैं मुसर्रत चीमा से कि मेरा मैसेज पहुंच गया, किसको पहुंचाना था ये मैसेज, और चीफ जस्टिस के बारे में वो क्यों पूछ रहे हैं? गुज़िश्ता रोज की ऑडियो लीक है, जो मैं इस कॉन्टेक्स्ट से समझा हूँ, इनका मैसेज जो था वो समझा पहुँचाना था इनके लॉयर्स को कि इनकी जो बेल है वो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई करें, चूंकि इनको हदशा है कि हाई कोर्ट शायद इनकी बेल रिजेक्ट कर ले। जब भी कोई भी शख्स अपना बेल या केस थ्रू लॉयर आर्ग्यू करता है तो इसका जो लॉयर है वो बेहतरीन डॉक्टर है, जो मर्ज के मुताबिक बता सकता है, और ये बता सकता है कि तुम्हारी जान बचेगी या नहीं, है तुम केस जीतोगे या नहीं। तो अल्टीमेटली खान साहब ने जो मैसेज दिया था, चूंकि मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा तो वैसे ही 2 दिन से गिरफ्तार हैं, वो तो 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ना उनके पास कोई फोन है ना कोई चीज़ है। ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले की कॉल है, और इस कॉल के अंदर उन्होंने यही कहा है, चूंकि उनको ये लगता था बाजार के वो गिरफ्तार हो गए, उन्होंने अपने लॉयर्स को एंगेज किया कि जब मैं अगर गिरफ्तार होता हूँ तो उन तक ये पैगाम पहुँचा दें। और जिस एक शख्स का नाम लिया कि आपने उसको बोल दिया, तो उसका भी यही होता है कि आप लॉयर से जो शख्स डील करता है पीटीआई की तरफ से उसको पैगाम पहुँचा दें कि आप लीगल टीम को जो इंटैक्ट रखें, अगर उनको पैसे देने हैं, मामला करना है, उनकी फीसेस है, वो इंटेक्टेड रहे, ताकि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान की जमानत का विरोध करेगी नैब।